ये हमारा टीपॉट, तो जब मेहमान आएंगे तो उनको चाय देने के लिए टीपॉट हमें फर्स्ट ऊपर रखना पड़ेगा। अभी आई थिंक ये फ्रायर का साउंड आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो क्या है, आप मेरे पीछे क्या देख रहे हो? ये किचन। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं इस किचन को क्या करने वाली हूँ, सजाने वाली हूँ, ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। देखिए मेरा किचन, मैंने इसका मेकिंग वीडियो भी अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, अब ये किचन को मैं फुल फिल करने वाली हूँ। अभी थोड़ा खाली खाली लग रहा है, बिकॉज ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, नीचे भी कुछ भी नहीं रखा, ये कितना खाली खाली लग रहा है। अब जब हम सजा देंगे तो कितना अच्छा लगेगा, आई एम वेरी एक्साइटेड। और अभी तो चलो फ्रेंड्स, अभी मैं एक एक अच्छे से सजाती हूँ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे कुछ राशन का सामान सजाऊंगी, बिकॉज कुछ कुकीज़, वो चाय पत्ती, वो सब तो लगेगा ही ना। और जो फ्रिज फ्रूट आइटम्स रहता है, मैंने तो आधा उसको डिवाइड कर दिया, पर जो किचन में रखना है हमको मसाला, वो सब वो हम लोग एक एक रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे हम लोग मसाला वसाला रख देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, बैटरी ऑपरेटेड लाइक मिक्सर, ब्लेंडर, फिर बहुत कुछ। चलो देखते हैं डेकोरेशन। फ्रेंड्स देखिए, मैं ये पूरा सामान और उधर का सामान ये पूरा सजाऊंगी। आई एम वेरी 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 मच एक्साइटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या रखूँ, चलो बैटरी ऑपरेटेड सामान रख लेती हूँ। फर्स्ट ब्लेंडर यानी मिक्सर, मिक्सर को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो जब मुझे मिक्सिंग करना है तो मैं यहाँ से एक एक लूँगी। और नेक्स्ट ये हमारा टीपॉट, तो जब मेहमान आएंगे तो उनको चाय देने के लिए टीपॉट हमें फर्स्ट ऊपर रखना पड़ेगा। एंड ये थोड़ा सा हमारा शो पीस भी लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और हाँ, हमारा मेन और दूसरा चीज़ यानी तीसरा चीज़ वो है मिक्सर। ये देखो, इसका भी अनबॉक्सिंग किया था फ्रेंड्स मैंने, आप जाके आगे देख लीजिए। और मैं इसको सोचूँ हाँ, अंदर की तरफ से सजा दूँगी, तो अच्छे से फिर से डेकोरेट होने के बाद भी मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। और हाँ, मैं ये तो वैसे बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, पर ये भी उसी ग्रुप में आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी। अब नेक्स्ट क्या रखूँ, अरे ख़त्म हो गया, इतना ही था, ठीक है। तो अब ना फ्रेंड्स, मैं क्या क्या सोच रही हूँ कि ये सेरेमिक का है, अगर मेरे हाथ से छूटा तो ये गिरा, ये सेरेमिक टी सेट है फ्रेंड्स, तो मैं इसको नीचे की तरफ सोच रही हूँ नहीं रखूँ, मैं यहाँ पे रख दूँ, बस यहाँ पे स्पेस बच गया तो यहाँ पे रख लेते हैं ना। चलो, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है ना, यहाँ पे मैं रख दूँगी ये हमारा टीपॉट। फिर हम यहाँ पर और रखूँगी प्लेट्स, तो ये देखो अंदर की तरफ से आ जाइए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा अंदर का भी तरफ का दिखाती हूँ। देखिए मैंने कैसे सजा रही हूँ, ये देखो फ्रेंड्स, आपको मेरा सजावट कैसा लग रहा है मुझे बताना, ठीक है। मैं एक एक अभी ला के सजा लेती हूँ। ये मेरा टीकअप, अंदर की तरफ ही ज़्यादा रखे तो उतना ही अच्छा है, उतना ही सेफ़ है, ठीक है। अगर ज़्यादा बाहर की तरफ रखेंगे तो गिरने का चांसेस रहता है, इसलिए तो ये सबसे अच्छा आइडिया है मेरे हिसाब से, तो मुझे ठीक ही लग रहा है। और मैं इधर रख देती फूल, तो ये देखो कितना मस्त से हमने सजा लिया हमारे तो, पर इतना और भी जगह बच गया है, पर अभी छोड़ो, इतना जगह का तो छोड़ना पड़ेगा ना। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इन चॉपर्स को रखूँ कहाँ पे, तो देखो इन चॉपर्स को मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, तो जब भी मुझे सब्जी चॉप करना है, कुछ करना है, तो मैं इसको ले सकती हूँ, मेरे कटिंग बॉक्स को, ठीक है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं सजाऊँ हाँ, मेरे कुकीज़, मेरे कुछ फ्राइज़, मैंने जो बॉक्स में रखा था, ये देखो मैंने यहाँ पे रखा है, ये कुछ मेरा फूड आइटम्स, ठीक है। तो कुकीज़ को तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे रख दूँ, कि मम्मा भी जब कुकीज़ लाती है ना, ऐसे किचन में रखती है, ये देखो इतने सारे कुकीज़ है, कुकीज़ को मैं यहाँ रखूँगी। ये कुछ फ्राइज़, तो मैं जब भी छानूंगी तो इसको यहाँ पे रखूँगी। तो ये देखो ये ऐसे रह गया, तो अभी आगे जो जगह बचेगा वहाँ पे मैं और भी चीज़ रख सकती हूँ, इसलिए मैंने जगह थोड़ा बचा दिया। अब मैं और भी थोड़ा सामान लेके आ रही हूँ अभी, ये देखो ये मैंने थोड़ा खुद से बनाया, ये देखो ये है स्पेगेटी, ये देखो ये नूडल्स स्पेगेटी मैंने खुद बनाया, ये देखो। और ये है यमी स्पाइसी पास्ता, इसको मैंने पास्ता बना दिया है, ओके। और ये है पॉपकॉर्न, इसको अभी हम लोग फ्राई करेंगे तो पॉपकॉर्न बन जाएगा, इसको अभी फ्राई तो नहीं किया ना मैंने, इसलिए।
क्या है, ये है रेनबो वाला पास्ता, अलग अलग कलर का पास्ता। ऐसा वाला पास्ता शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। अब यहाँ पे और जगह बच गया है। मैंने पापा को पहले से बता रही थी कि थोड़ा बड़ा बनाओ, थोड़ा कम लगेगा तो फिर थोड़ा बड़ा बनाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो मेरा कितना सारा है तो सजाना पड़ता है। अब मैं कुछ बॉक्सेस में मेरा कुछ सामान था, ये देखो ये मेरा पोजीशन है, सम्मी हो सम्मी, ये मेरा पोजीशन हो गया, ये देखो ये मेरा पोजीशन है इन सब इस सबको लेने के लिए। ये देखो अभी मैं यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर मैंने रियल में कुकीज़ रखा है, ये देखो ये मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोर से लाया है। एक्सपेंसिव स्टोर में मुझे कितने रुपये का मिला बताओ, 10 रुपये का। ये देखो कुकीज़ सेम टू सेम इसके जैसे मैच कर रहा है ना फ्रेंड्स, कितना मस्त। तो मैंने वही सोच के यहाँ पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे रखूँगी कुकीज़ को, और ये है बटर, ठीक है, कितना अच्छा यहाँ पे लिखा गया है बटर से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, मैं वही देख के लेके आई हूँ। वैसे मैं आपको मेरा शॉपिंग स्टोर भी दिखाऊंगी बाद में कभी। ये देखो ये क्या बताऊँ, क्यूब शुगर, जो शुगर क्यूब्स रहता है ना गो, ऐसे सर्कल सर्कल सा, फिर या फिर देखो ऐसे, यस ये देखिए क्यूब्स, ये शुगर क्यूब्स। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ये हमारा पिज्ज़ा का बैटर, यानी पिज्ज़ा जैसे ही लगेगा, पर अगर हम लोग खाएंगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट इसको बनाना पड़ेगा और बाद में पिज्ज़ा के जैसे लगेगा। ये देखो ये मुझे कैरम में मिला था, मैंने रख दिया, और ये तो मुझे मिला था ही एक फूड सेट में, तो उसको मैंने रख ही दिया। ये देखो कितना मस्त है। तो और ये है हमारा ताजमहल का चाय पत्ती। ये देखो, तो चलो ऊपर का मैंने यहाँ पे देखो ये सब सजा दिया और ये सब सजा दिया। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, आई होप आपने अच्छे से देख लिया। अब फ्रेंड्स बेसिन के पास में ना यहाँ पे मैंने 3 baskets बनाया है, ये देखो 1 2 3। तो अब ना फ्रेंड्स मैं एक दिन खेल रही थी तो मुझे ना ये सब मिल गया सामान, तो मैं सोची चलो हम लोग बेसिन का सामान बना लेते हैं। तो ये देखो ये हमारा सोप, सोप मैं सोप को यहाँ पे रख देती हूँ, और ये हमारा साबुन, हाथ धोने का साबुन, ओके। बाद में फ्रेंड्स ये जो है ना ये मैं बर्तन ऐसे मांजूंगी तो उसके लिए मैंने रखा है, देखिए स्पंज, ये पापा ऐसे रखे थे तो मैंने बना दिया, और ये स्प्रे, ठीक है स्प्रे, और ये है बर्तन धोने के लिए, ऐसे ऐसे हम लोग धो सकते हैं, हमारा हाथ अगर दुखा तो इसका हेल्प लेंगे, और ये क्लीन का, ये क्लीन करने के लिए। फ्रेंड्स ये भी एक क्लीनिंग एजेंट है, मैं इसको साइड में रख लेती हूँ। चलो फ्रेंड्स अभी हम लोग नेक्स्ट सजाते हैं। अब ये क्या है, आइए आपका स्वागत है आपका, ये देखो मैं मसालों से स्वागत कर रही हूँ। ये देखो तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने मसाला रखा है, कुछ ऐसे रेडीमेड है और कुछ मैंने बनाया है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये है सरसों का ऑयल, देखिए मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल रखा है, पता है स्लाइम में ना बहुत सारे ग्लू थे जो खत्म हो गया, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको रीयूज क्यों ना कर दूँ, तो मैंने इसको ऑयल बना दिया। तो मैं ऑयल को यहाँ पे रख देती हूँ। ये है रिफाइन ऑयल यानी ऑलिव ऑयल, और नेक्स्ट ये है रिफाइन ऑयल, रिफाइन ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ मसाले रखे हैं, ये देखिए ये मैंने ऐसे छोटे छोटे मोटे मोटे मसाले बना दिए हैं। ये छोटे मसाले ना मैं बाद में सजा दूंगी, बड़े मसाले पहले सजा लेती हूँ। फ्रेंड्स ये ना फ्रूट स्प्रिंकल्स है, इसमें से रियल में आता है, मैं आपको दिखाऊँ। मैं एक ऐसे प्लेट ले लेती हूँ, ये देखो ये मैंने खुद ऐसे बनाया है, यहाँ पे बोले देखो ऐसे आता है, देखिए फ्रेंड्स ऐसे स्प्रिंकल्स, तो मैं जब भी केक वेक बनाऊंगी तो ये काम में आ जाएगा। चलो मैं इसे रख देती हूँ। तो केक स्प्रिंकल्स को मैं सोची नीचे रख दूँ इसे यहाँ पे, और ये है आवाज़ करने के लिए मैंने इसको बना दिया है, ये देखो ऐसे आवाज़ आएगा। ये फ्रेंड्स सॉल्ट, सॉल्ट, और ये है सीजनिंग, मैंने इसको साउंड देने के लिए इसके अंदर कुछ डाला है, और ये देखो इलास्टिक साउंड आ रहा है ना एकदम। और फ्रेंड्स ये है देखिए ब्लैक पीपर, और ये है डिलीशियस सीजनिंग, ये टमाटो पीपर है देखिए, तो मैं उसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स और जो चीज़ था ये है चिकन बर्गर का ये मसाला, और ये है कबाब का मसाला, मैंने इसको मसाला बना दिया, तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। फ्रेंड्स ये जो बाकी सब जो मसाला ना मैं सोच रही हूँ इसको मैं सजाऊँ नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस नहीं है कि मैं ये सजाऊँ, तो जाने दो, वैसे मैंने खुद से बनाया था और क्या कर सकता है, जाने दो जो हो गया सो हो गया। अब हम लोग क्या सजाएंगे, हाँ हम लोग सजाएंगे 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 क्या, क्रॉकरीज, यानी कि मेरे प्लेट्स। मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए मेरे प्लेट्स वहाँ पे, ये देखो मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ पर वो वहाँ पे, कितने नटखट है मेरे प्लेट्स, ये देखो जैसे कि मैं हूँ,
तो फ्रेंड्स मेरे पास बहुत सारे प्लेट्स थे, तो मैंने ऐसे बॉक्स ले लिया, इसके अंदर पूरे प्लेट्स रख दिए। ये देखिए, अब मैं इसको क्या करूंगी, मैं कहाँ सजाऊँ, नीचे सजाते हैं। चलो आओ आओ फ्रेंड्स, ये मेरा नीचे का, देखिए तो मैं यहाँ पे सजा लेती हूँ। देखिए मैंने अंदर कैसे डाल दिया फ्रेंड्स, आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये मैंने अंदर ऐसे डाल दिया, ये देखिए हमें बहुत मुश्किल हो रहा है शूटिंग करने के लिए, ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखो अब हम लोग कैमरा नीचे रखेंगे और नीचे मैं सजाऊंगी। ये देखो ये हमारा प्लेट्स है जो हमने सजाया है, देखिए फ्रेंड्स। अब हम लोग ये देखिए, ये मेरे पास पूरा टोटल प्लेट्स और ये कुछ जार्स है, तो ये मैंने इसके अंदर रख दिया है। तो ये देखो ये ग्लासेस है, तो इसके अंदर मैंने अच्छे से रख दिया ऑर्गेनाइज करके। अब मैं ये वाला बॉक्स इसके अंदर डाल दूँ। अब फ्रेंड्स ये मेरा टिफिन है, तो टिफिन को भी मैं अंदर डाल लेती हूँ। जाओ टिफिन, ये देखो ये मेरा टिफिन बॉक्स और ये मैंने अंदर रख दिया, छोटा वाला टिफिन भी अंदर रख दिया। कितना अंदर है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरे कुछ स्मॉल प्लेट्स, यानी मेरे स्मॉल स्मॉल चम्मच, और यहाँ पे स्पून्स फोक सब है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास बड़े बड़े जो है ना स्पून्स, हम लोग जो कुकिंग करेंगे उसको तो मैं ऊपर रखूंगी, पर मेरे पास कुछ छोटे छोटे भी थे तो मैंने नीचे रख दिया। और ये सीजर्स, आप सोच रहे हैं कि मैंने क्या रखा, किचन में तो सीजर्स चाहिए ना, भाई कुछ नया आएगा चीज़ तो मैं कट तो कर पाऊंगी ना। अब मैं इसको यहाँ पर, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रे को कहाँ रखूँ। ये मेरे पास कितना सारा ट्रे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, मेरे पास 4 ट्रे है। देखिए ये मैं यहाँ पे अच्छे से इसको रख रही हूँ ऐसे, तो इस ट्रे को मैं नीचे रख देती हूँ। ये देखिए अब आता है नेक्स्ट हमारा, ये टिश्यू पेपर्स और नैपकिन्स। देखिए तो ये हमारा रुमाल मैंने यहाँ पे रख दिया है, बिकॉज रुमाल तो चाहिए कुकिंग करने के लिए, कुछ साफ करने के लिए, तो मैं इसको अच्छे से इस बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। ये देखिए रख दी हूँ, तो मैं अभी मुझे कुछ चाहिए तो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स आता है मेरे बड़े बड़े जो कुकर, वो सब मैं वो कहाँ रखूँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पे रखूँगी, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे कुछ रखना है, तो मैं यहाँ पे कुकर पैन बड़े बड़े जो है ना वो यहाँ पे रखूँगी, ठीक है। चलो रखती हूँ, और चलो ये है मेरा बड़ा कुकर, इसको मैं रखूँगी यहाँ पे 1, और मेरा कुछ पैन्स है उसको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। फ्रेंड्स ये पैन्स को ना मैं और कहाँ रखूँगी, यहाँ पे नहीं रखूँगी मैं इसको, बस मैं इस अकेले पैन को यहाँ पे रख देती हूँ, वो दो पैन को मैं और कहाँ रखूँगी। और ये है मेरा जार, ये है मेरा टीपॉट, इसको मैं रखूँगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कढ़ाई, कढ़ाई के ऊपर ढक्कन, इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया है, इसको मैं बाद में रख लेती हूँ, पहले मैं इसको रख लेती हूँ। कैसे लग रहा है फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है ना मैंने जो सजाया है। अब हम लोग क्या सजाते हैं ये बात आता है। तो फ्रेंड्स अब मैं सजाऊंगी कुछ छोटा छोटा यूटेंसिल्स, जो कि एक फ्रेंड्स, तो चलो अभी मैं इसे सजा देती हूँ। तो इसको थोड़ा सा अंदर ले लेती हूँ, मैं अंदर ले लिया है, अब मैं इसको एक एक अच्छे से सजा दूंगी। तो सजा दिया फ्रेंड्स मैंने टोटली, अब देखते हैं अब हमारा क्या रह गया है। तो ये मेरा स्मॉल स्मॉल, ये देखिए रह गया है स्मॉल स्मॉल कटोरा, जिसके अंदर मैं सामान सजा लेके रखूंगी। तो ये मैं इसको यहाँ पे क्या करती हूँ, ऊपर यहाँ पे रख देती हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम रखेंगे हमारा, देखिए मेरे पास और एक सामान है, वो है ये। तो फ्रेंच फ्राइज में जब फ्राई करूंगी तो मेरे पास ये कुछ यूटेंसिल्स था, तो ये भी मुझे चाहिए, तो मैं ये भी रख देती हूँ। तो नेक्स्ट कम्स हमारा राशन का सामान, और कुछ मेरा कुछ स्पून्स और मेरे कुछ कटलरीज, वो मुझे रखना है, तो चलो अब मैं वो रख देती हूँ। चलो तो फ्रेंड्स ये है मेरे कुछ राशन का सामान, मैं अभी इसको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने, ये है सैंड, ये देखिए मैं इसको मेरा पैटर्न कुकिंग क्ले बना सकती हूँ। ये टोटल 4 कलर्स में है, एक तो ब्लू, एक है ये फ्लो सैंड है, देखिए ये है पर्पल, और ये देखिए ये पिंक, ठीक है, और ये ब्लू इसके, ये देखिए, और ये है हमारा पर्पल, और ये है येलो, ये येलो कलर में था पर ये येलो कलर नहीं है, हमारा सैंड कलर ही है, ठीक है। और ये हमारा कुछ क्ले, चलो
तो पहले मैं क्ले को नीचे रख देती हूँ, पहले मैं इसके ऊपर रख देती हूँ ये राशन। मुझे एक्चुअली क्ले को अलग से रखना था पर मैंने ऐसे रख दिया था। ये देखो ये मेरा राशन का सामान मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। और मेरे कुछ और भी ज़्यादा क्ले के सामान थे, ठीक है। धीरे धीरे ये पूरा खाली हो रहा है ये जगह, और थोड़ा होता तो अच्छा होता। मुझे ना सजाना रखना 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 ही मन करते रहता है, ठीक है। और ये कुछ मेरा चकला बेलन, ये चकला बेलन को मैं रखूँगी यहाँ पे। इसको मैं बाद में आपको दिखा दूंगी जब अच्छे से सजाऊंगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये मेरा नया क्ले है, देखिए ये मैं लाई ही हूँ। देखो ये मेरा अलग 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 क्ले है, इसको मैं बाद में खोलूंगी, अभी नहीं खोलती हूँ। जब मैं कुकिंग वीडियो बनाऊंगी तब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेपर्स भी रखा है तो मैं शेप भी दे पाऊंगी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और मेरे कुछ और भी क्ले हैं जिसको मैं ऐसे रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने टोटली अच्छे से सजा दिया है। अब क्या रह गया, अब मुझे मेरे बड़े बड़े स्पून रखने हैं और ये मुझे हैंग करना है और बाद में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं हैंग, और ये भी हैंग करना है। चलो ये सारे स्पून्स को और इसको हैंग करेंगे और कौन से वाले स्पून को भी रख लेंगे, ठीक है। चलो ये मेरा यहाँ पे देखिए कितने सारे स्पून हैं, लॉट ऑफ स्पून। एंड नाउ आई विल कीप, ओके अब मैं रखूंगी ये मेरे पैन्स, ठीक है। कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं रह रहा है, यहाँ पे। ओ ये देखो क्या हो गया, ठीक है यहाँ पे नहीं। व्हाट अबाउट यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। पर मैं यहाँ पे चलाऊंगी, थोड़ा सा ऊंचा होकर रह रहा है, ठीक है, इसलिए। और इसको थोड़ा ओपन, हाँ अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो। अब मैं मेरे स्पून को यहाँ पे हैंग यहाँ पे रखूंगी और कुछ कुछ स्पून को हैंग भी करूंगी। तो इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, एक बार ट्राई करती हूँ इसे हैंग करने के लिए। ओ वाह ये हैंग हो रहा है। चलो अब मैं कुछ स्पून को ऐसे वाले हैंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये गैस लाइटर देखिए, मैं अभी इसे ऑन करूंगी, देखो आ जाएगा। पीछे क्या है फ्रेंड्स, ये है इलेक्ट्रिक इंडक्शन स्टोव। फ्रेंड्स ये मैंने मेरे किचन में क्यों रखा है बताऊं? आप सोच रहे कि सुहान के पास तो ये है ही गैस स्टोव, तो इसकी क्या जरूरत। फ्रेंड्स आपको पता है अगर इमरजेंसी में गैस अगर खत्म हो गया तो तब तो इंडक्शन की जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए मैंने इंडक्शन रखा है। ओके मैं अभी इसका ना काम दिखाती हूँ कैसे काम करता है। तो पीछे से मैं इसे ऑन कर देती हूँ, मैं इसे ऑफ में रखती हूँ बिकॉज ये ज़्यादा बैटरी लॉस हो जाता है और ये ऐसे साउंड होता है और यहाँ पे 000 लिखा होता है। जैसे प्लस करते तो ये बढ़ते जाता है और इसका मैक्सिमम 8 तक, और जब हम लोग इसको माइनस करते जाएंगे इसका ये जो हीट है वो कम होता जाएगा। अभी हम लोग इसको साउंड देंगे, तो फ्रेंड्स जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे ना तब तक ये नहीं होगा स्टार्ट, ठीक है। चलो तो ये कुक राइस और स्टीर फ्राई का साउंड देता है, अभी आई थिंक ये फ्राई का साउंड आ रहा है, ये कुक राइस का। और ये टी पॉट को हमारा हम जब गर्म करते हैं तब, और ये दूसरा टी पॉट का साउंड, और ये पानी में जो फ्राई होता है ना वो। बाय बाय, कितना क्यूट साउंड आता है ना, देखो ये भी आपको अभी बाय बाय कर देगी, देखो बाय बाय। चलो फ्रेंड्स अब मैंने मेरा किचन अच्छे से वेल डेकोरेट कर दिया है और पूरा ये ओपन भी हो गया जगह, तो आप फिर से फ्रेंड्स अच्छे से देख लीजिए। अरे फ्रेंड्स रुको रुको, मैं तो एक चीज भूल ही गई, मैंने तो मेरे बेचारे माइक्रोवेव ओवन के लिए तो सोचा ही नहीं। हाँ फ्रेंड्स मेरे माइक्रो ओवन में तो मैं कुछ रखना ही भूल गई, वो क्या फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर मेरे यम्मी यम्मी पिज्जा रखना भूल गई। चलो मैं पिज्जा इसके अंदर रख देती हूँ। तो ये पिज्जा अभी मैंने इसको स्टॉप करके रखी हूँ ना, तो अभी पिज्जा नहीं पक रहा है, जब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी तो पिज्जा पक जाएगा। और एक चीज फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ पिज्जा का पैटर्न्स है जो अभी इसका पता नहीं बनेगा नहीं, इसका ऐसा नहीं है, तो मैं इसको नीचे रख देती हूँ। मैं सोच रही थी कि ना मैं बर्गर पिज्जा मेरे फ्रिज में ही रखूं, क्योंकि मैंने मेरे फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में वो ही किया था, पर तो मुझे कमेंट्स में कुछ फ्रेंड्स बोले कि नहीं और पापा को भी बाद में याद आ रहा है तुमने ये क्या किया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फ्रोजन बर्गर कैसे से रख देती हूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तो अब मैं ये बर्गर वो सब नीचे रख दूँ।
अरे बुच्चू, बर्गर क्या नीचे कबाड़ खाने में रहता है? कबाड़ खाने में? अरे नीचे उसको माइक्रोवेव ओवन में रखो। ठीक है। किचन का ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साइड में बेल आइकन होगा ना उसको क्लिक कर देना। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।